सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल मेरी साई कथा, अनकही सहित कई सीरियल में काम करने वाली भागलपुर की बेटी सुष्मिता सहेला अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूं तो भागलपुर ने पूरे भारतवर्ष में कई चीजें दिए हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, भागलपुर की बेटियां किसी से कम नहीं है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी के बाद अब भागलपुर की बेटी मुंबई में धमाल मचा रही है। भागलपुर के तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता सहेला ने बताया कि पहले उन्हें कई छोटे छोटे एड में काम मिलता था, तब जाकर यह मुकाम उन्हें हासिल हुआ। लगातार अपने अभिनय के दम पर भागलपुर की तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता ने मुंबई में अपनी पहचान बनाई और टीवी पर आने वाले कई सीरियलों में उन्होंने काम किया। सुष्मिता ने कहा कि मैं भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से अपनी पढ़ाई की हूं और स्कूली पढ़ाई के समय से ही मेरा सपना था कि टीवी और बड़े पर्दे पर, साथ ही मेरा सपना है बड़े पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने की। सुष्मिता ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, लेकिन बिहार से होने के नाते मैं अपने घर वालों को सीधे तौर पर यह नहीं कह पाती थी कि मुझे फिल्म में काम करना है। इसके लिए मुझे निफ्ट की मदद लेनी पड़ी यहां से पढ़ाई करके। पहले मैं डिजाइनर बनी, कई एक्ट्रेसेस व टीवी सीरियल के कलाकार के यहां डिजाइन का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियल में मौका पाकर अपना अभिनय दिखाई और अभी मैं कई सीरियल्स में काम कर चुकी हूं। उन्होंने बताया कि मैं सोनी टीवी पर आने वाले धारावाहिक मेरे साई कथा, कहीं सहित कई सीरियल में काम कर चुकी हूँ। अब आने वाले सीरियल कथा में भी बहुत जल्द लोगों के बीच दिखूंगी। सो आई थिंक माई जर्नी वॉज डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है कि चूंकि मेरी जो सफर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है एजुकेशन, हो बहुत जरूरी है। अगर आप इस फील्ड में एजुकेटेड नहीं है सो सॉरी, यू कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ। बहुत चूंकि मेरी पढ़ाई कामल से होने के साथ साथ, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ कामल, देन आई डिड माई निफ फ्रॉम बैंगलोर और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी बॉम्बे में किया। सो इट वाई इट वॉज ईजी, मैं हमें बार बार यही बात कह रही हूँ कि मेरा सफर मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ों ने मेरी मदद की है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टडी फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू कैन यू नो शाइन लाइक अ स्टार। आज मुझे वहां पे कभी ये किसी ने नहीं कहा होगा कि अरे ये कौन है, कहाँ से है। सो व्हेन समबडी से ओके बिहार से हो, आई प्राउडली से दैट यस आई एम फ्रॉम बिहार, एंड बिहार इज अ सिटी व्हिच हैज गिवन सो मेनी थिंग्स, आप लोग सब जानते हैं। सो दैट्स द थिंग। सुष्मिता, किस किस टेलीविजन? 2019 से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, जब मैं एड्स करती थी, छोटे एड्स करती थी। उसके बाद मैंने कुछ कैमियोज भी किए हैं कुछ सीरियल में, इश्क सुभान अल्लाह और भी सीरियल्स जिसमें मैंने कैमियोज का काम भी किया है। बट अगर इम्पैक्टफुल जर्नी की अगर हम बात करेंगे तो वो जर्नी शुरुआत हुई थी मेरी मेरे साई, सोनी टेलीविजन मेरे साई से, और साई के आशीर्वाद से, मैं यही कहना चाहूँगी साई के आशीर्वाद से आई गॉट कथा, एंड कथा हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट वॉज द रोल विच मेड मी रियलाइज दैट यू नो I am a actor with emotions. Why? Because I was playing a character which had navras in it, all the emotions. अगर आप emotions की बात करेंगे तो sad से लेकर, खुशी से लेकर, pain से लेकर, दर्द से लेकर, उदासी से लेकर, हर चीज मुझे emote करने का मौका मिला। और ये बहुत कम actor को ये चीज मिलता है कि आप हर इमोशंस को इमोट कर सकें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वो किरदार मिला। सुष्मिता, लगता है कि मैं कोई भी किरदार बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ, बिकॉज एक्टर का काम यही है कि आपको जो भी किरदार मिलेगा आप उसको प्लीज अच्छे से जिए, आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको जीना है उस किरदार को। एंड दैट मेरा परिवार और मेरा मेरे पिताजी, माई फादर हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी, और बहुत कम लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं वो उनको कराया जाता है। सो आई थिंक माई फादर, आई एम थैंकफुल टू हिम टूडे ऑल्सो एंड फॉर एवर इन माई लाइफ, कि जो मैंने चाहा, जैसा मैंने चाहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। तो एक गार्जियन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सपोर्ट। बहुत बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज वो गार्जियनशिप की कमी होती है, या बच्चे अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बट मेरे पिताजी की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ, और मेरी माता जी का तो योगदान है ही, वो दैट्स अनपैरेलल, उसका कोई अतुलनीय है वो चीज। मगर मेरे पिताजी ऐसे रहे, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ डॉटर, ही नेवर थॉट कि एक लड़की है वो बाहर कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। वो हमेशा यही इनकरेज किए कि मेरी बेटी को ये करना है तो उसको वो चीज करेंगे, और वो जिस भी फील्ड में जाए
उसमें उत्तीर्ण करे. सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम. और मैं ये कहना चाहूंगी हर बेटी को ऐसे पिता मिलने चाहिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके. सो मैं कथा अनकही में काम कर रही थी सोनी टेलीविजन पे, एंड दैट इज आई थिंक दैट शो, क्योंकि बचपन से हमने टीवी देखा है और बचपन से मैं टीवी देखती थी, तो मैं एक हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं भी शायद टीवी में काम करूंगी. तो आई थिंक टुडे व्हेन आई एम वर्किंग इन दैट सीरियल इज नॉट जस्ट अ सीरियल, इट्स अ आई मीन, उस सीरियल के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके जैसा शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन नहीं आया. कथा अनकही इज द नंबर वन शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन आई वुड से. एंड जो मुकाम कथा अनकही ने पाई है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, दैट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज आई थिंक द डायरेक्टर जो उनके थे, आई मीन